शिव महाराज, अगर मौका लग जाए तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पांव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त तो होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न, कितने ग्रास जम के बोलो जरा, 7 ग्रास, 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बनाकर ले गए हो, जो तुम भोग बनाकर ले गए हो, उसका स्पर्श कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को, उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर उसको गिरा दे, शिवजी के ऊपर चढ़ा दे 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आंख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना, किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांस से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर उसको पाई, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ,
और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा आपको दे रहे हो दो घड़ी दो क्षण दो पल जो तुमने परमात्मा को दिया, उसमें कुछ क्षण बैठ कर शिव से कुछ बातें करो। कुछ बैठ कर बातें करो। हम अपनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे, आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए। पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में दो रोटी बनवा कर, थोड़ा अचार रखवा कर, थोड़ी सब्जी रखवा कर, थोड़ा मीठा रखवा कर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं। कंकर उठाया, पूजन करी, रखा और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा। एक चरित्र आता है, एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।